हेलो व्यूअर्स, सिविल 3D के एक और वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम अपने सरफेस के ऊपर लेबल लगाएंगे। जब हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो उस ड्राइंग में इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली शो करने के लिए हम उस पर कुछ डायमेंशंस और लेबल्स लगाते हैं। सिविल 3D में भी हम जब कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ड्रा करते हैं, तो उसमें जो इंफॉर्मेशन हमने शो करनी होती है उसके लिए हम डिफरेंट लेबल्स यूज करते हैं। आज हम अपने सरफेस में डिफरेंट इंफॉर्मेशन शो करने के लिए सरफेस के ऊपर लेबल्स लगाएंगे। सिविल 3D में सरफेस को लेबल करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है, हम अपने सरफेस को सेलेक्ट करेंगे, जिस भी सरफेस पे आपने लेबल लगाना है। जैसे ही आप सरफेस को सेलेक्ट करेंगे, ये कॉन्टेक्स्चुअल रिबन जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। इसमें ये सबसे पहला आइकन है एड लेबल्स। अगर मैं ये आइकन के ऊपर क्लिक करता हूं, ये देखिए मेरे पास एक ड्रॉप डाउन में लिस्ट ओपन हो गई है, जिसमें सबसे पहले है एड सरफेस लेबल। उसके बाद ये हमारे लेबल के टाइप्स हैं, स्लोप, स्पार्ट, स्पार्ट ग्रिड और डिफरेंट। अगर मैं ये फर्स्ट आइकन के ऊपर क्लिक करता हूं, ये देखिए मेरे पास एड लेबल का एक डायलॉग बॉक्स आ गया है। इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन है फीचर, जो कि सरफेस शो हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ड्राइंग में हमने फीचर को सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली यहां पे भी हमको शो हो रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखें इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन क्योंकि हमने सरफेस को ड्राइंग में सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए यहां पर हमारे पास सरफेस ही डिस्प्ले हो रहा है। सेकेंड है लेबल टाइप, कि हमने जो लेबल लगाना है उसका टाइप क्या होना चाहिए। हम सबसे फर्स्ट ऑप्शन यूज कर रहे हैं स्लोप, क्योंकि मुझे ये देखें यहां पे ये जो कंटूर्स हैं इसमें स्लोप शो करनी है, कि यहां पे स्लोप की परसेंटेज जो है वो क्या है। नेक्स्ट आता है स्लोप लेबल स्टाइल। देखें अभी ये रन ओवर राइज है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, इसमें ये तीन डिफरेंट स्टाइल है, परसेंट, राइज ओवर रन और रन ओवर राइज। मुझे यहां पे परसेंटेज शो करना है तो मैं परसेंट को सेलेक्ट करता हूं और एड पे क्लिक कर देंगे। एड पे क्लिक करने के बाद देखें कमांड लाइन में अब दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट स्लोप लेबल्स 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। यहां पे भी देखें 1 पॉइंट या 2 पॉइंट। 1 पॉइंट अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो मैं जिस भी जगह पे क्लिक करूंगा उस लोकेशन से जिस भी डायरेक्शन में मैक्सिमम स्लोप होगी उस साइड पे मेरा एरो जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। देखें अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं, ये देखें एरो ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में -37 पे डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्शन इस पॉइंट से मैक्सिमम स्लोप है, बाकी जितने डायरेक्शन है उनकी स्लोप 37 से लेस है। यहां पे अगर मैं एक और यहां पे क्लिक करता हूं, देखें यहां से एरो की डायरेक्शन एज कंपेयर टू दिस वन डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर जो मैक्सिमम स्लोप डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। लेकिन अगर हमें अपने दो पॉइंट के, यानी मुझे यहां से लेके यहां तक की जो लोकेशन है इन दो पॉइंट के बीच में स्लोप शो करनी है, तो उसके लिए एक बार फिर ये लेबल स्टाइल, लेबल टाइप हम स्लोप पे रखेंगे। स्लोप लेबल स्टाइल जो है इसको अब मैं चेंज कर रहा हूं, अब इसको मैं रन ओवर राइज रख रहा हूं, कि मुझे ये परसेंटेज में नहीं चाहिए, मुझे ये रेशियो में चाहिए, तो मैं रन ओवर राइज और एड पे क्लिक करता हूं। जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया है, अब यहां से मैं 2 पॉइंट ऑप्शन ले रहा हूं। 2 पॉइंट ऑप्शन लेने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, तो मुझे यहां से अब आ रहा है सेलेक्ट सेकंड पॉइंट, जिस भी पॉइंट तक मुझे स्लोप चाहिए, ये लोकेशन तक मुझे चाहिए, मैं यहां पे क्लिक करता हूं, तो ये देखें यहां इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेरी जो स्लोप है वो यहां पर डिस्प्ले हो रही है। अभी देखते हैं जितने भी लेबल हमने लगाए हैं ये स्लोप माइनस में शो हो रहा है, लेकिन अगर हमें ये स्लोप प्लस में शो करना है, यानी मुझे लोअर टू टॉप की तरफ ये स्लोप चाहिए, देखिए यहां पे मेरा लेवल है 4.37, यहां पे है 9.96। अभी मेरी कमांड जो है वो एक्टिव है, देखिए यहां पे आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं, सेकंड पॉइंट मैंने यहां पे क्लिक कर दिया, देखिए मेरे यहां से यहां तक एरो ड्रा हो गया और स्लोप जो है वो अब उसके साथ नेगेटिव का साइन डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि ये लोअर टू टॉप की साइड पे है। नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि मुझे ये अपने बिल्डिंग के अराउंड में
कुछ स्पॉट लेवल शो करने हैं अपने सरफेस के, तो उसके लिए हम सिविल 3D में जो लेबलिंग का ऑप्शन 2 है वो यूज करेंगे। पहले हमने सरफेस को सेलेक्ट किया था, अब मैं सरफेस को सेलेक्ट नहीं कर रहा। रिबन में हम एनोटेट के टैब में जाएंगे और ये देखें सेम आइकन हमारे पास यहां पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखें सेम डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया, लेकिन इसमें ऑप्शंस जो है वो डिफरेंट है। फीचर में देखें अभी नोट डिस्प्ले हो रहा है, पहले सरफेस हो रहा था लेकिन अब नोट है क्योंकि हमने कोई भी फीचर सेलेक्ट नहीं किया हुआ। तो मैं यहां पे क्लिक करके सरफेस लेबल स्टाइल में से मुझे स्पॉट एलिवेशन लेना है क्योंकि मुझे स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर लेवल शो करने हैं। स्पॉट एलिवेशन लेबल स्टाइल, इसमें भी ये दो स्टाइल हैं, आने वाले वीडियो में हम न्यू स्टाइल्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद आता है मार्कर स्टाइल कि आपका जो पॉइंट होगा लेबल के साथ वो किस शक्ल में आपको चाहिए। तो मैं इसे बेसिक एक्स पे रख देता हूं और एड। अब जिस भी लोकेशन पे जाके मैं क्लिक करता हूं, जैसे अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं, ये देखें इस लोकेशन का एलिवेशन मेरे पास आ गया है। अगर मैं यहां पे करता हूं, ये देखें इस लोकेशन का एलिवेशन यहां पे डिस्प्ले हो रहा है। और इस एलिवेशन की खास बात यह है कि अगर इसे मैं सेलेक्ट करके इसको मूव करता हूं तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू साथ साथ चेंज होना शुरू हो जाएगी क्योंकि ये डायनामिकली हमारे सरफेस से लिंक्ड है। देखें जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूं ये वैल्यू जो है वो चेंज होती जा रही है। तो इसको आप जहां पे भी जाके रखेंगे ये ऑटोमेटिकली वहां से वैल्यू जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ये था सिंगल पॉइंट एलिवेशन। लेकिन अगर हमें ग्रिड्स के ऊपर, जैसे हम अपने ड्राइंग में ग्रिड्स ड्रा करते हैं, इसी तरह अगर मुझे एक स्पेसिफिक इंटरवल पे ग्रिड के ऊपर अपने सरफेस में लेबल्स लगाने हैं तो उसके लिए भी सिविल 3D में बिल्ट इन मेथड है स्पॉट एलिवेशन ऑन ग्रिड। अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं, ये लेबल को मैं चेंज कर देता हूं एलिवेशन ओनली के बजाय, मैं ये एलिवेशन और फिर उसके बाद मुझे वैल्यू चाहिए। मार्कर स्टाइल, जो भी आपको स्टाइल चाहिए, मैं इसे बेसिक पे रख देता हूं और एड। यहां पे मैसेज आ रहा है कि स्पेसिफाई ए ग्रिड बेस पॉइंट। ये आपकी सरफेस का लोअर लेफ्ट कॉर्नर होता है, तो इसे आप सरफेस से थोड़ा हटके क्लिक करेंगे ताकि आपकी सरफेस जो है वो क्लियरली सिलेक्ट हो जाए। तो मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं। अब यहां पे मैसेज आ रहा है ग्रिड रोटेशन कि आपको जो ग्रिड लगाने हैं एलिवेशन के वो आपको किस एंगल पे चाहिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक एंगल चाहिए तो यहां पे आप टाइप कर सकते हैं, मैं 0 एक्सेप्ट कर रहा हूं। उसके बाद आता है ग्रिड एक्स स्पेसिंग, ये जो आपकी एक्स डायरेक्शन है, एक लेवल से दूसरे लेवल में आपको कितना डिस्टेंस चाहिए। ये 5 है, मैं इसको 15 कर देता हूं, एंटर। फिर मैसेज आ रहा है ग्रिड वाई स्पेसिंग, तो मैं इसको 10, एंटर। अब हमको यहां के मैसेज आ रहा है कि स्पेसिफाई द अपर राइट लोकेशन ऑफ द ग्रिड। अगर आपको सारे सरफेस के ऊपर लगाने हैं तो आप सरफेस के अपर राइट कॉर्नर पे जाके क्लिक कर देंगे, लेकिन मुझे सारे सरफेस पे लेबल नहीं करने तो मैं ये ऑलमोस्ट हाफ सरफेस के जाके क्लिक कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे क्लिक किया, ये एक बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है कि अब जो हमारे लेबल लगेंगे वो सिर्फ बॉक्स के एरिया में जो सरफेस है उस पर लगेंगे, इस पोर्शन में कोई भी लेबल हमारा जो है वो नहीं डिस्प्ले होगा। यहां पे ऑप्शन है कि चेंज द साइज ऑफ आर रोटेशन ऑफ द ग्रिड। यहां पे भी आप अगर अपने स्पेसिंग को या एंगल को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने जो पहले ऑप्शन दिए थे वही एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो मैं इंटर पे क्लिक करता हूं। देखें जैसे ही मैंने इंटर किया, मेरे यहां पे लेबल जो है ये देखें एवरी 15 मीटर पे एक्स डायरेक्शन में और 10 मीटर पे वाई डायरेक्शन में ग्रिड्स के ऊपर ये जो लेबल्स है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है कंटूर्स के ऊपर कि अगर हमने ये जो कंटूर ड्रा किए हुए हैं इनके ऊपर हमने लेबल्स लगाने हैं तो वो हम कैसे लगा सकते हैं। इसको यहां से क्लोज कर देते हैं, सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, एड लेबल्स। यहां पे ये देखें कंटूर सिंगल, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये देखें डायरेक्टली मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सेलेक्ट द कंटूर लाइन। अगर मैं यहां पे आके क्लिक करता हूं, देखिए जहां पे मैंने क्लिक किया वहां पे मेरा जो लेबल उस कंटूर का लेवल जो है वो शो हो रहा है। जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाता हूं, देखें उसके ऊपर लेबल जो है वो डिस्प्ले होते जा रहे हैं। लेकिन अगर हमें इन सारे कंटूर्स के ऊपर लेबल लगाने हैं
कि मुझे ये सिंगल क्लिक करने पे नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरा एक ही बार में ये कंटूर्स जो हैं उनके ऊपर लेबल जो है वो डिस्प्ले हो जाए। तो एक बार फिर सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, ऐड लेबल्स, ऐड सरफेस लेबल। अब यहां से लेबल टाइप हम जो है कंटूर मल्टीपल करेंगे। पहले हमने कंटूर सिंगल किया था, इस बार मैं कंटूर मल्टीपल पे क्लिक कर रहा हूं। पहले देखें, जब हमने डायरेक्ट यहां से लेबल के लिए क्लिक किया था, इस पे क्लिक करके, सॉरी ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, सरफेस कंटूर सिंगल, तो ये डायरेक्टली ये प्लेस के लिए चला गया। इसमें हमारे पास ये जो ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स है वो नहीं आता, हम अपनी मर्जी से स्टाइल जो है वो सेलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सरफेस को सेलेक्ट करने के बाद ये ऐड सरफेस लेबल्स में जाते हैं तो हमारे पास चॉइस होती है हम कौन सा स्टाइल, कौन सा मार्कर यूज करना चाहते हैं। तो कंटूर मल्टीपल, मेजर कंटूर लेबल स्टाइल, एग्जिस्टिंग मेजर लेबल्स, माइनर कंटूर्स, एग्जिस्टिंग लेबल, ये लेबल भी हम आने वाले वीडियो में न्यू क्रिएट करेंगे तो उसमें ये आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। यूजर कंटूर अभी हमारे पास नहीं है, जब हम ग्रेडिंग क्रिएट करेंगे तो उसमें हम यूजर कंटूर जो है वो भी ड्रॉ करेंगे। तो ये ऑप्शंस अपनी मर्जी से सिलेक्ट करने के बाद जस्ट मैं ऐड पे क्लिक करता हूं। अब देखें यहां पे मैसेज आ रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, तो मैंने यहां पे क्लिक कर दिया है। देखें मैंने सरफेस के एरिया से बाहर क्लिक किया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लेबल जो लगेंगे, ये जो आपको कर्सर के साथ एक डॉटेड लाइन नजर आ रहा है, ये जितने कंटूर्स को क्रॉस करेगा हमारे लेबल सिर्फ उन्हीं कंटूर्स के ऊपर डिस्प्ले होंगे। अब ये मैसेज आ रहा है कि स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट, तो देखिए मैंने यहां पे आके क्लिक कर देता हूं। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया अभी कमांड मेरी एक्टिव है, लेकिन ये लेबल यहां पे डिस्प्ले हो रहे हैं जहां जहां से हमारी लाइन जो है वो क्रॉस कर रही थी। देखिए उन तमाम लोकेशंस के ऊपर हमारे लेबल जो है वो डिस्प्ले हो चुके हैं। अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो ये देखें जहां से हमारी लाइन क्रॉस कर रही वहां पे हमारा लेबल जो है वो डिस्प्ले हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाता हूं मेरे लेबल जो है वो डिस्प्ले होते जा रहे हैं। लास्ट ऑप्शन हमारा है कि मुझे इन कंटूर्स के ऊपर सिंगल लेबल्स नहीं चाहिए, मुझे इन तमाम कंटूर्स के ऊपर एक स्पेसिफिक इंटरवल के ऊपर जो है वो लेवल शो करना है। उसके लिए हम ये लास्ट ऑप्शन यूज करेंगे, कंटूर मल्टीपल एट इंटरवल। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। अब मैं लेबल स्टाइल को यहां से चेंज कर देता हूं, ये एग्जिस्टिंग पे था, मैं इसे प्रोपोज पे कर रहा हूं। इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यूजर कंटूर हमारे ड्राइंग में नहीं है। ऐड, देखें सेम मैसेज है, पिक फर्स्ट पॉइंट, तो पिक फर्स्ट पॉइंट के लिए मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं। पिक सेकंड पॉइंट, तो मैंने सेकंड पॉइंट के लिए यहां पे क्लिक कर दिया। अब देखें पिक फर्स्ट और पिक सेकंड के बाद एक ऑप्शन और हमारे पास आ रहा है, इंटरवल अलॉन्ग कंटूर, आपको कंटूर के ऊपर कितने डिस्टेंस पे लेवल चाहिए। ये 100 पे है तो मैं इसे चेंज करके 30 कर देता हूं, 30 इंटर। लेकिन जैसे ही मैंने इंटर किया मेरे लेबल जो है वो प्लेस होना शुरू हो गए हैं। ये देखें हमारे तमाम कंटूर्स के ऊपर, क्योंकि हमने मल्टीपल कंटूर एट इंटरवल रखा था, तो ये देखें अगर इस कंटूर को हम देखते हैं तो ये देखें इसके ऊपर एवरी 25 मीटर पे हमारे लेवल जो है वो शो हो रहे हैं। और अगर यहां पे आप देखें जो पहले लेबल्स हमने लगाए हैं उसमें हमारा जो लेबल का टेक्स्ट था वो ग्रे कलर का था, क्योंकि इसके लिए जो स्टाइल हमने यूज किया था वो एग्जिस्टिंग कंटूर का किया था। लेकिन यहां पे हमने स्टाइल को चेंज करके प्रोपोज कर दिया था, ये देखें ये कलर में जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। देखें हर कंटूर पे 25 मीटर पे हमारे लेवल जो है वो शो हो रहे हैं। तो ये था हमारा सरफेस लेबलिंग का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।